हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे GoDaddy के मेल सर्विसेज में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, ग्रुप या डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कैसे बनाई जाती है और इसमें सिग्नेचर कैसे अपलोड किया जाता है। वेबमेल को एक्सेस करने के लिए हम URL यूज करेंगे email.akriti.com। इसको एंटर करने पर एक साइन इन पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड करेक्टली एंटर करना है। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद हम अपने ईमेल अकाउंट के मेन पेज पर हैं। अब इसमें हम एड्रेस बुक पर क्लिक करते हैं। एड्रेस बुक से हमें कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ देख रहे हैं कि ये एड्रेस लिस्ट पूरी तरीके से खाली है। एड्रेस को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका टेम्पलेट चाहिए और टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे हमें एक ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड होगा। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट CSV। ये देखिए एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो गई है। इस टेम्पलेट में ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद होम फोन, वेबसाइट, कंपनी नेम, वर्क फोन नंबर, सेल फोन नंबर, वर्क एड्रेस, इतनी सारी डिटेल्स हैं। इसके द्वारा हम अपने एम्प्लॉय की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें फीड कर सकते हैं। चूंकि हमने पहले ही एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बना ली है, इसलिए हम इस एक्सपोर्टेड फाइल को बंद करेंगे और कंप्लीट एड्रेस बुक को इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक एड्रेस बुक है। इस एड्रेस बुक में एम्प्लॉय के ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कंपनी के वेबसाइट डिटेल्स, कंपनी का नेम, कंपनी एड्रेस, और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अब हम इन दोनों फाइल को क्लोज करेंगे और एड्रेस बुक को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ से हम दिए गए पाथ से फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे सेव है। इंपोर्ट CSV पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि उस फाइल के थ्रू ये सिस्टम इसको इंपोर्ट करेगा। क्लिक ऑन इंपोर्ट CSV। ये देखिए फाइल इंपोर्ट हो रही है और टोटल 196 कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने रीड किया है और रीड करने के बाद उसको इंपोर्ट सक्सेसफुली किया है। हम वापस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके आइए चेक करते हैं कॉन्टैक्ट्स को। गो ऑन एड्रेस बुक कॉन्टैक्ट्स। यहाँ देखिए ये पूरे 196 कॉन्टैक्ट्स इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं। एक बार इसे चेक करेंगे, मेल कंपोज बॉक्स ओपन करेंगे। ये देखिए हमने 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे भी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट शो हो रही है। इसी तरीके से हम CC एंड VCC भी चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी पूरे कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं एंड VCC इसमें भी पूरे कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, हम इसे क्लोज करते हैं। लिस्ट या जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, ताकि हमें हर एम्प्लॉय का मेल 1x1 इसमें टाइप ना करना पड़े या सेलेक्ट ना करना पड़े। हम क्लिक करेंगे एड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पे। सपोज हमने पहला जो ग्रुप लिया है वो हमें पहला ग्रुप बनाया है फाइनेंस। फाइनेंस ग्रुप में हम फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय है उनको 1x1 इसमें
ऐड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जहां पर अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में 10 कॉन्टैक्ट्स हैं या 10 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो हमें उन हर कॉन्टैक्ट्स को वन बाय वन टाइप नहीं करना पड़ेगा। सिंपल जब कोई मेल कंपोज करेंगे तो उस ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे, उससे उस ग्रुप को सेलेक्ट करते ही उस ग्रुप में उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें एंटर्ड हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बन चुकी है, इसमें 7 कॉन्टैक्ट्स हैं। इसी तरीके से हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं, ये बनाया हमने सेल्स। इसमें भी सेल्स से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स को वन बाय वन करेंगे। ओके ये हमने इसको सेव किया और इस तरीके से ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सेल्स भी बन चुका है। कॉन्फ़िगर किया, चेक करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। ये देखिए हमने फाइनेंस ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट किया, जब हम इसके प्लस पिक करेंगे तो ये लिस्ट पूरी एक्सपांड हो जाएगी और इसमें जितने भी यूज़र्स या कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमें शो होने लगेगी, डिस्प्ले होगी। देन सेकंड ग्रुप लेते हैं सेल्स, इसमें भी सेम एक्सपांड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों लिस्ट में एटलीस्ट 14 कॉन्टैक्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम जोन एंड डेट फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं। ओके डिस्प्ले डिस्प्ले देन अब यहाँ से हम टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे जो कि चेन्नई कोलकाता, एंड डेट फॉर्मेट DDMMY देन ओके। ये टाइम जोन यहाँ से एंड डेट फॉर्मेट सेव हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिग्नेचर सिग्नेचर कैसे क्रिएट किया जाता है। देन सेटिंग पर्सनल सेटिंग, ये जो फर्स्ट स्क्रीन है सिक्योरिटी, यहाँ से हम अपने इसका मेल का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें अपना करंट पासवर्ड देना है, देन जो पासवर्ड चेंज करना है उसको न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड में देके ओके करना है। अब आते हैं सिग्नेचर पे, सिग्नेचर कैसे क्रिएट करते हैं। सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, उसको हम टाइप करेंगे। उसको कंप्लीट फुल नेम देने के बाद डेजिग्नेशन देना है, देन कंपनी का एड्रेस, एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल, कंपनी की वेबसाइट, और यहाँ से हम लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। वो एम्प्लॉय के साथ साथ उसके कंपनी की आइडेंटिटी को भी शो करती है, इसलिए जब हम कंपनी के बिहाफ से कोई मेल कंपोज कर रहे हैं या मेल किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर मेल सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ से हमने इसके फॉन्ट्स एंड फॉन्ट्स कलर्स चेंज किए हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट, अगर ये ऑप्शन टिक करना भूल गए तो ये मान के चलिए कि जब हम मेल कंपोज करेंगे तो ये सिग्नेचर उस मेल में इंसर्ट नहीं होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इनबॉक्स में फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों दिन भर में हमें कई अलग अलग टाइप की मेल रिसीव होती है और वो पूरे इनबॉक्स में सब मिक्सअप हो जाती है, तो उन मेल्स को बाइफरकेट करने के लिए या अलग अलग करने के लिए हम सबसे बढ़िया आसान तरीका यूज़ करते हैं कि इनबॉक्स में हम उन मेल से रिलेटेड या उन सेंडर से रिलेटेड उनके फोल्डर्स या सब फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। सपोज जैसे हमने इसमें फाइनेंस HRM क्रिएट किया है, पे देखिए ये कॉन्ट्रेक्टर्स मेन फोल्डर्स में हमने एक फोल्डर बनाया है, सब फोल्डर बनाया है दिल्ली कॉन्ट्रेक्टर, देन सेकंड सब फोल्डर बनाया है MP कॉन्ट्रेक्टर। इस तरीके से ये सक्सेसफुली जो टॉपिक्स था हमने कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।